नमस्कार, इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर करनाल के इंद्री यमुनानगर रोड पर इंद्री में जो एक यूनियन बैंक की शाखा पड़ती है, जी हां यूनियन बैंक की शाखा पड़ती है, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बड़ी लूट व डकैती की कोशिश होती है। यहां पर जो बैक साइड की एक दीवार है उसमें छेद करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आसपास के लोग जो है पीछे घर बताया जा रहा है और वो जाग जाते हैं, जिस कारण जो है पुलिस को जानकारी दे दी जाती है। हालांकि बैक साइड की वो तस्वीर है, हम आपको अभी कुछ देर में कोशिश करेंगे दिखाने की, लेकिन जानकारी ये मिली है कि कुछ ईंटें जो है उस दीवार से निकाली गई थी। हालांकि अब बैंक की तरफ से उस दीवार को भी मजबूत किया जा रहा है, लेकिन एक प्रयास जरूर हुआ है बैंक में, एक बड़ी डकैती का, एक बड़ी चोरी का प्रयास हुआ है, जिसकी तस्वीरें समय करनाल के इंद्री यमुनानगर रूट से आप देख सकते हैं। इंद्री अनाज मंडी के बिल्कुल सामने जो है इफको के ऑफिस के बाहर जो है आप देख सकते हैं यूनियन बैंक की शाखा है, जहां पर किस तरह से रात को 10 बजे के करीब जो है एक बड़ा प्रयास होता है, और जब बैक साइड की जो दीवार है उसको तोड़ के जो डकैत है, जो चोर है, वो अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। जानकारी मिली है कि किसी और का भी उन्होंने इसी तरह से दीवार का कुछ हिस्सा तोड़ा है, लेकिन वहां भी असफल रहे क्योंकि दीवार काफी मजबूत थी। अब उस दीवार को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है, तो ये लाइव तस्वीरें से आप देख सकते हैं, उसी बैंक के बाहर हम मौजूद हैं। हालांकि जो बैंक के मैनेजर हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे कि मामला आखिरकार क्या है। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें वीडियो को जरूर शेयर करें। और आगे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, वो बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं वो यूनियन बैंक की है, जहां पर आपको एसी नजर आ रहे होंगे, उसी में रोशनदान के पास वहां पर छेद आपको नजर आ रहा होगा, जिस दीवार को तोड़कर अंदर जो है चोर डकैती करने की योजना बनाए बैठे थे बैंक में अंदर जाकर। किस तरह से उन्होंने काफी ज्यादा नुकसान बैंक को हो सकता था पहुंचा सकते थे, लेकिन सामने जो है लोगों के घर पड़ते हैं, जिसके चलते बैंक में हालांकि जो डकैती है वो जरूर बच गई, लेकिन किस तरह से बैंक मैनेजर ने बताया कि पुलिस को यहां पर गश्त लगाने की जरूरत है, क्योंकि सर्दियों के समय खासतौर पर देखा जाता है कि इस तरह की जो डकैती है, इस तरह का जो नुकसान है, इस तरह की जो चोरियां हैं वो समय रहते बढ़ जाती है। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ी डकैती, एक बड़ी चोरी का प्रयास जो है बैंक में किया गया था। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि करनाल के इंद्री यमुनानगर रोड पर जो है ये आप देख सकते हैं इस समय यूनियन बैंक के बाहर मौजूद है, जो बैंक के जो मैनेजर है, जो सीनियर ऑफिशियल्स है वो हमारे साथ मौजूद है। पिछली दीवार तोड़कर जो है जो चोर है वो रात के समय दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दीवार कहीं ना कहीं मजबूत थी, उसको और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर सूचना मिलते ही इंद्री थाना की पुलिस जो है मौके पर पहुंच जाती है। जो बैंक के ऑफिशियल है वो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? यूनियन बैंक पड़ता है आपका इंद्री अनाज मंडी के सामने, किस तरह से प्रयास हुआ रात को चोरों ने, डकैतों ने अंदर बैंक में लूटपाट करने की कोशिश की, हालांकि वो उनका प्रयास सफल नहीं हो पाया, दाखिल नहीं हो पाए, क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? ये रात को तकरीबन 11:30-12 बजे के आसपास पीछे से दीवार तोड़ने की कोशिश की गई कुछ लोगों के द्वारा, और वो सक्सेस नहीं हो पाए। पीछे जो ये हमारे पड़ोस में घर हैं, घर वालों ने देखा, उनको टॉर्च वगैरह मारा तो वो उससे डर के भाग गए। उन्होंने एक दो ईंट निकाली थी पीछे से, जहाँ से उन्होंने कोशिश करी थी वहाँ से निकाल ईंटों को, रोशनदान है हमारा, उस रोशनदान को तो उतरवा करके वहाँ पे ग्रिल लगवा रहे हैं अभी, ताकि दोबारा से ऐसी वारदात ना हो। अंदर तो नहीं दाखिल हो पाए? अंदर नहीं दाखिल हो पाए। कहाँ पे पड़ता है, कौन सा बैंक है आपका? ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इंद्री में पड़ता है। हाँ, तो काफी कैश भी रहता होगा यहाँ पर, ट्रांजेक्शन भी रहती है? नहीं, जो हमारी कैश लिमिट है उसके हिसाब से कैश भी रहता है। तो लोकर रूम वगैरह सेफ है, अंदर तो एंटर हो नहीं पाए? अंदर एंटर नहीं हो पाए, स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर तो वैसे जा ही नहीं सकते। स्ट्रॉन्ग रूम सारा का सारा आरसीसी और सरिये की जो पैनल होते हैं उससे क्रॉस होता है वो। तो सूचना जैसी रात को पुलिस को लगी होगी, रात को ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी? हाँ, रात को पुलिस भी आ गई, हाउस ओनर भी आ गए, हम भी सभी आ गए थे यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो हुई नहीं है। यहाँ पे हमारे से आगे हैं जो जिन दुकानों में लॉस हुआ है, पेस्टिसाइड की दुकानें थी, उनको पार करके वहाँ से नुकसान करके गए हैं, हमारा सेफ है बिल्कुल। लेकिन आपको लगता है कि दोबारा प्रयास ना हो तो पुलिस को भी कहना कि गश्त जरूर बढ़ानी चाहिए? बैंक का मामला है, बैंक में डकैती और लूट का मामला है, इसको लेकर सुरक्षा आप भी चाक चौबंद रखेंगे? हाँ, क्योंकि जब ये आए थे उस समय पे चौकीदार भी आ गए थे, हमारा जो चौकीदार रखा है वो भी आ गया था, पुलिस भी आ गई थी, लेकिन ये है कि पुलिस की गश्त तो होनी चाहिए, पुलिस की गश्त तो होनी चाहिए, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, तो एक एटलीस्ट अगर मान लो पुलिस वालों का अलार्म भी बज जाए, उसी से भाग करके चोर भाग जाते हैं, तो बचाव हो गया। मतलब बचाव हो गया कुल मिलाकर के, ये है कि बचाव हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार। आप किस पोस्ट पे हैं जी? मैं यहाँ पे हेड कैशियर की पोस्ट। तो आप देख सकते हैं हेड कैशियर की पोस्ट पे हैं, लेकिन एक बड़ा बड़ा एक चोरी का लूट का प्रयास जरूर किया जाता है, लेकिन जो डकैत हैं वो कहीं ना कहीं असफल जरूर रहे, क्योंकि ये जो बैंक आप देख रहे हैं इस समय करनाल के इंद्री यमुनानगर रोड पर जो है ये बैंक पड़ता है, यूनियन बैंक की ये शाखा है, इसके बैक साइड पर जो दीवार है उसको तोड़कर जो है चोरों ने अंदर
दाखिल होने की कोशिश जरूर की, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि पीछे मकान है लोग जाग जाते हैं और वो प्रयास कहीं ना कहीं चोरों का डकैतों का असफल जरूर रहा, नहीं तो अंदर आकर वे किसी चीज को नुकसान जरूर पहुंचा सकते थे। हालांकि जो सीनियर हेड कैशियर है उन्होंने बताया कि उनका जो सेफ है जहां पर अमाउंट पड़ा होता है उसको वे पूरी तरह से लॉक रखते हैं, पूरी तरह से उसका जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं चाक चौबंद रहती है सर। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी ने मुखबरी तो जरूर की होगी कि बैक साइड से आने का रास्ता है, कोई ना कोई यहाँ पर आया होगा, कोई कर्मचारी यहाँ पर पहले कोई काम करता हो जिसको इस बारे में पता हो। बैक साइड में जहाँ से पिछली जो दुकानें तोड़ी है ना वो सारी की सारी पीछे खेत हैं इसके, इसके पीछे खेत है, खेत के पीछे फिर लोगों के घर हैं जी। ठीक है, मुखबरी करी या नहीं करी, मुखबरी से उससे हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। दुकान में भी प्रयास हुआ है, हाँ वहाँ भी तोड़ी है, हाँ तोड़ी है, चोरी तो नहीं हुई ना जी? नहीं, वहाँ पे उनका कुछ ये हमारे को पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, उनका ज्यादा तोड़ा हुआ है, उनकी दुकानों में बड़े हुए हैं वहाँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बैंक के साथ साथ जो आसपास की दुकानें हैं उसमें भी जो है जो डकैत है वो अंदर एंटर होते हैं, वो अंदर जो है उस तरह से चोरी का प्रयास करते हैं। हालांकि क्या कुछ उनका नुकसान हुआ है वहां पर भी जाकर हम पता जरूर लगाएंगे। लेकिन बड़ी खबर इस समय करनाल के इंद्री यमुनानगर रोड से आप देख रहे थे जहां पर बिल्कुल नई अनाज मंडी का जो मेन गेट है बिल्कुल उसके सामने आप देख सकते हैं, नई अनाज मंडी के मेन गेट के सामने जो है ये यूनियन बैंक की शाखा पड़ती है, इंद्री की यह ब्रांच है जहां पर किस तरह से एक बड़ा प्रयास होता है और चोरी और डकैती का यह प्रयास हुआ जिसकी लाइव तस्वीर इस समय आप देख रहे थे। हालांकि जो मैनेजर्स हैं जो अन्य ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही जो पुलिस की टीम है वो मौके पर पहुंच गई थी और कहीं ना कहीं नुकसान होने से जरूर बच गया, लेकिन आसपास जो दूसरी दुकानें हैं उनसे भी हम पता लगाएंगे कि क्या कुछ उनका चोरी हुआ या नहीं हुआ। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल बेटा करनाल ब्रेकिंग न्यूज़।